मेरी किताबें कहती हैं अब कहानियां नई, मेरी आंखों में हैं अब सपने नए, हुनर की हुंकार है अब, निज भाषा की धार है अब। देश की नई शिक्षा नीति ने आज युवाओं के सपने भी बदले हैं और उन्हें पूरा करने की स्ट्रैटेजी भी। ये देश की शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों के समय की संकुचित सोच से बाहर निकालकर भारतीय मूल्यों और 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ रही है। तभी तो युवा बन रहे हैं स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और इनोवेटिव ग्लोबल लीडर्स। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए, देश को दे। शिक्षा नीति ने 2 साल में ही स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्किलिंग की तस्वीर बदल दी है। देश की युवा पीढ़ी को मिला है एक नया आसमान, जहां पुराने बंधनों से आजादी है। स्कूली शिक्षा अब बोझिल नहीं, मजेदार है। खेल खेल में क्रिएटिविटी के साथ साथ पढ़ाई बच्चों को लुभा रही है। निष्ठा ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के तहत 47 लाख शिक्षकों ने ट्रेनिंग कंप्लीट की है। निपुण भारत कार्यक्रम में बच्चों की बुनियादी पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान को ठोस करने के साथ ही उनकी रुचि और क्षमता का आकलन भी किया जा रहा है। विद्या प्रवेश के तहत खेल खेल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के माध्यम से सरकारी स्कूलों में लर्निंग एनहांसमेंट पैकेज दिए गए हैं। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम युवाओं को पहली बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पढ़ने का मौका दे रहा है। जहां छात्र अब एक साथ मल्टीपल कार्यक्रम की पढ़ाई कर सकते हैं, वहीं वे ट्विनिंग, ड्यूअल और जॉइंट डिग्री अरेंजमेंट्स के जरिए कुछ सेमेस्टर की पढ़ाई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में भी कर सकते हैं। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत वन क्लास वन टीवी चैनल और दीक्षा के माध्यम से 33 भारतीय भाषाओं में 2.9 लाख ऑनलाइन ई कॉन्टेंट भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। स्वयं मूक्स पोर्टल और स्वयं प्रभा टीवी के व्यापक विस्तार के बाद अब डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना और मल्टी मॉडल शिक्षा चैनल्स को 34 से बढ़ाकर 200 करने का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। आज स्कूलों तथा कॉलेजों में विभिन्न भाषाओं में, साइन लैंग्वेज में, ऑडियो फॉर्मेट में पढ़ाई सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। जेईई, नीट आदि परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में ली जा रही हैं। हमारी प्राचीन विद्या को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करने के लिए 13 इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर्स खोले गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर है। वोकेशनल कोर्स वाले बच्चों को इग्नू और एनआईओएस के रास्ते मेनस्ट्रीम शिक्षा से जुड़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 75,000 स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल्स, आईटीआईज और हायर एजुकेशन सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के जरिए स्किल हब सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। उभरती और भविष्य की टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री लेड एवं मार्केट लिंक्ड वोकेशनल ट्रेनिंग पर निरंतर बल दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चे और युवा अब उस उज्जवल भविष्य के निर्माण में जुटे हैं, जहां प्रश्न पूछने पर पाबंदी नहीं होगी, बल्कि हर प्रश्न का हल होगा चुटकियों में।